हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी नई नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से 21,000 पदों के लिए नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आपको कांस्टेबल की पद आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर और क्या डिटेल्स हो सकती है, महिला पुरुष क्या अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है पूरी आसानी तरीके से, कब से स्टार्टिंग है, कब तक लास्ट डेट है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को देख रहे थे, 1000 लाइक का टारगेट रखें, 100 प्लस शेयर का टारगेट, तो जल्दी से पूरा कर देना। सो गाइस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड नेम की बात करें तो बीएसएफ सिक्योरिटी यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगी, यानी कि बीएसएफ की यहाँ पर जो है तरफ से ये वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, नोटिफिकेशन आई हुई है। इसके अंदर सबसे पहले डिटेल्स की बात करें, यहाँ पर पोस्ट नेम क्या क्या होने वाली है, तो बीएसएफ कांस्टेबल जीडी यानी कि कांस्टेबल जीडी की पोस्ट आपको देखने को मिलेगा बीएसएफ के अंदर। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, दोनों को मौका मिला है। बात करते हैं इसके अंदर और भी डिटेल्स के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया कि बीएसएफ की तरफ से आई है। जॉब कैंडिडेट डिफेंस की जॉब आपको देखने को मिलेगा। हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया वैकेंसी है, पूरे भारत के जो भी बच्चे हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों। वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो कांस्टेबल जीडी की पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, पूरे भारत के बच्चे आप ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे। और यहाँ पर जो है अप्लाई कैसे करना है, तो अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों जो भी यहाँ पर अप्लाई किए हैं वो सारे बच्चे फ़ोन से ही अप्लाई किए हैं, तो आप भी फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो, आपका 100% जो है अप्लाई सक्सेसफुल हो जाएगी। बात करते हैं पर जेंडर के बारे में, तो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के अंदर आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो टोटल पोस्ट कितनी है, तो 21,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आई हुई है कांस्टेबल जीडी की पोस्ट को लेकर। इसके अंदर पूरे ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ी आपसे लिया जा रहा है, मात्र आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। जिस भी कैटेगरी से हो आप यहाँ पर 100 रुपया ही पे करना है, आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, या फिर एसटीएससी हो, या फिर ओबीसी हो, या फिर जनरल हो, सारे बच्चों के लिए 100 रुपया है। एक यहाँ पर समान यहाँ पर रखी गई है एप्लीकेशन फ़ी। इसके अंदर एज लिमिट जो आपसे मांगी जा रही है, आपका जो एज लिमिट जो होना चाहिए वो मिनिमम आपका एज लिमिट जो यहाँ पर मांगी जा रही है वो 18 साल, और मैक्सिमम की बात करें 25 साल। अगर आप 18 से 25 के बीच बिलोंग्स करते हो या फिर इस एज लिमिट के अंदर आते हो तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको एज रिलेक्शन भी मिलेगा, आयु सीमा के अंदर छूट, एसटीएससी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल, तो आप देख लेना आप कौन से कैटेगरीज के अंतर्गत आते हो। इसके अंदर जो आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी जा रही है, आपका जो योग्यता होना चाहिए वो 12th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी राज्य से हो, आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम के साथ हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, बायो हो, आप सारे बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको जो चाहिए वो हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स जो है वो आवश्यक है 12वीं के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर, तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इसके अंदर और भी डिटेल्स की बात करें तो फिज़िकल के अंदर आपसे क्या क्या मांगी जा रही है, तो फिज़िकल के अंदर सबसे पहले हाइट मांगी जा रही है, जो कि 1.65 आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं फीमेल के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर हाइट जो यहाँ पर 1.57 सेंटीमीटर, तो आप देख लेना आप कौन से कैटेगरीज के अंतर्गत आते हो। वहीं नॉर्थ जोन के अंदर यहाँ पर 150 है, और चेस्ट आपका ओनली फॉर मेल के लिए 70 से 75 सेंटीमीटर आपसे मांगी जा रही है। इसके अंदर वैकेंसी डिटेल्स एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल जीडी की पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, 21,000 पदों के लिए आई है। और वेन्यू की बात करें, स्टेट वाइज वेन्यू होने वाली, यानी आपका एग्ज़ाम जो होगा वो स्टेट वाइज ही लिया जाएगा। बीएसएफ रनिंग टेस्ट की बात की, यहाँ पर आपसे जो रनिंग करवाई जाएगी, मेल के लिए रनिंग जो यहाँ पर मांगी जा रही है वो 1 पॉइंट यहाँ पर जो है 22 मिनट दिया जा रहा है, और फीमेल के लिए 1.6 जो कि 7.5 मिनट में, और मेल के लिए 4.8 जो कि यहाँ पर 22 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको 11 फीट लगाने पड़ेगी मेल के लिए, और 9 फीट यहाँ पर फीमेल के लिए। हाई जंप आपको लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 3 चांस मिलेगी। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जा रही है, आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले जो है वो फोटो एंड सिग्नेचर, जो कि लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। वहीं एजुकेशन सर्टिफिकेट आप अटैच करोगे ही, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो अटैच करना, बाकी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पर में से किसी एक आईडी प्रूफ अटैच कर सकते हो। डोमिसाइल कास्ट में क्या अंतर है, तो यहाँ पर एक निवास प्रमाण होता है, और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है वो जाति प्रमाण पत्र, तो अगर आप जाति अटैच करते हो तो आपको छूट मिल सकती है, अगर नहीं करते तो आप जनरल कैटेगरीज के अंतर्गत आ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अटैच कर देना अगर है तो। बात करते हैं अगर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल रिटेन, उसके बाद मेरिट लिस्ट, उसके बाद यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगी। इसके अंदर कैसे इसको फॉर्म को अप्लाई करना, ऑटो अप्लाई करके दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप यहाँ पर देख कर भी आवेदन कर सकते हो अपने फ़ोन से। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने अपने फ़ोन से ही आवेदन कर लिया गया है,
बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्टिंग है, तो 24 अगस्त 2022 से फॉर्म जो वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, बहुत सारे बच्चों का अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का अप्लाई हो भी चुका है। लास्ट डेट की बात करें यहाँ पर तो 4 सितंबर 2022 यानी कि 24 से 4 के बीच ये चलेगी आवेदन, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कहाँ से करना है तो एप्लीकेशन ऑनलाइन यहीं से होगी। जी हाँ दोस्तों, डाउनलोड भी नोटिफिकेशन यहीं से होगी। तो मैं इस वेबसाइट का आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर गूगल पे भी सर्च करके जा सकते हो, sarkarigovernmentvacancy.com चले जाना, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर रीड कर लेना आर्टिकल को, उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई एकमात्र जो यहीं से आपको अप्लाई करना है और यहीं से होगी भी। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आते हैं साथ। जय हिंद, जय भारत।